अभी तक मैंने अपने चैनल पे अराउंड 8 से 9 एंड्रॉइड टीवी बॉक्स का रिव्यू किया है, लेकिन A95X Max एंड्रॉइड टीवी बॉक्स मुझे दूसरे टीवी बॉक्स से काफ़ी डिफरेंट लगा। दैट्स वाई आई एम रिव्यूइंग इट। सो हे व्हाट्स अप पीपल, मेरा नाम है अभिनव, आप देख रहे हैं ट्रू टेक। एंड इन दिस वीडियो, हम इस वीडियो में A95X Max एंड्रॉइड टीवी बॉक्स का फुल डेप्थ रिव्यू करने वाले हैं और बताऊंगा कि क्या कुछ खास इसमें डिफरेंट है और क्यों मुझे यूनिक लगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रैपिड एंड नॉन बोरिंग अनबॉक्सिंग से। यहाँ पे बॉक्स कंटेंट बिल्कुल सिंपल है, आपको सबसे पहले एंड्रॉइड टीवी बॉक्स, उसके बाद एक रिमोट, फिर HDMI केबल, एक पावर ब्रिक और फ्यू पेपर वर्क, दैट्स इट। फर्स्ट ऑफ ऑल इस एंड्रॉइड टीवी बॉक्स की बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो पूरा का पूरा बिल्ड प्लास्टिक का है और यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके की ग्रिल मिल जाती है, या फिर आप इसको एयर वेंट कह सकते हैं। अगर फ्रंट की बात करें तो यहाँ पे आपको एक डिस्प्ले मिलता है जो कि मैं आपको आगे दिखाऊंगा। उसके बाद अगर अपर पार्ट पे जाओगे तो A95X Max की ब्रांडिंग और बीच में यहाँ पे X लिखा गया है, जिसमें आपको रेनबो इफेक्ट दिखाई देगा। अगर आप साइड में जाते हो तो यहाँ पे आपको 3 USB 3.0 के पोर्ट, एक TF कार्ड यानी कि SD कार्ड पोर्ट, और अगर जाएंगे आप रियर साइड पे तो यहाँ पे ऑडियो वीडियो पोर्ट के साथ SPDIF पोर्ट है आपके साउंड बार के लिए, LAN पोर्ट है जिस पे आप अपना इंटरनेट कनेक्ट कर पाओगे अगर आप डायरेक्टली यहाँ पे अपने राउटर से इसको कनेक्ट करना चाहते हो, फिर HDMI पोर्ट, यहाँ पे एक नॉर्मल आपको USB 2.0 पोर्ट और मिल जा रहा है, उसके बाद DC पोर्ट, और यहाँ पे आप एक स्लाइडर देख पा रहे होंगे जो कि इसकी मेन हाईलाइट है। जैसे ही आप स्लाइडर को इधर से मूव करोगे तो यहाँ पे आपको एक चैम्बर मिल जाएगा जिसमें आप अप टू 5 TB की हार्ड डिस्क यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको 320 GB की हार्ड डिस्क लगा के इसमें दिखा रहा हूँ और प्रॉपरली ये फिट हो चुकी है। उसके बाद जो इसका कवर है वो हमने एज इट इज़ लगा देना है। बात करें बॉटम की तो यहाँ पे आपको एक फ़ैन का स्पेस मिल जाता है जहाँ से आपकी पूरी की पूरी हीट डिसिपेट हो जाएगी, और यहाँ पे वॉल माउंट के लिए 2 होल्स भी दिए गए हैं, तो अगर आप इसको चाहें तो डेस्क पे रख सकते हैं, अदरवाइज वॉल पे भी इसको माउंट कर सकते हैं अगर आप इसके लुक्स के मजे लेना चाहते हो। तो इसको आप डायरेक्टली सेटअप करते हैं। सेटअप करना बहुत ज़्यादा सिंपल है, जस्ट आपने इसकी पावर ब्रिक यानी कि पावर अडेप्टर से इसके DC पोर्ट को कनेक्ट करना है, उसके बाद जो HDMI पोर्ट है HDMI पोर्ट में केबल इंसर्ट करनी है और आपका एक्शन तुरंत शुरू हो जाएगा। यहाँ पे आप डिस्प्ले देख पा रहे होंगे कि इसमें बूट लिखा आ रहा है, तो यहाँ पे आपको टाइम और ये सब चीज़ें दिखाई देती रहेंगी। स्क्रीन आपको कुछ इस तरीके की दिखाई देगी स्टार्टिंग में कि A95X की यहाँ पे ब्रांडिंग आ रही है, या फिर आप इसको लोगो बोल सकते हो। उसके बाद कुछ इस टाइप का एनिमेशन, प्रीटी इंटरेस्टिंग ना, मतलब कुछ फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन, एक फ्यूचरिस्टिक जो लोगो होता है या फिर एनिमेशन, वो यहाँ पे आप देख पा रहे हो। तो A95X का जो मेन स्क्रीन है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, लेकिन आप अदर टाइप के जो लॉन्चर होते हैं एंड्रॉयड टीवी के लिए वो भी यूज़ कर सकते हैं। सेटिंग्स में चलते हैं, सेटिंग्स में देखते हैं कि आपको क्या क्या स्पेक्स इसमें मिलती है जो कि यहाँ पे आपको कम्प्लीटली दिख जाएगी। तो एडवांस सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे आपको मोर सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा, जिसके बाद इसकी पूरी की पूरी जो रामायण है वो आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे स्टोरेज आपको 54.77 GB फ्री मिलती है, 4 GB इसमें रैम है, यानी कि 64 में से आप 10 GB हटा दो, 54 GB आपको यूजेबल मिलती है। अगर बात करें यहाँ पे कि कौन सा एंड्रॉयड वर्जन आपको मिल रहा है, तो यहाँ पे मिलता है आपको एंड्रॉयड 8.1 यानी कि ओरियो एंड्रॉयड मिल रहा है आपको। और यहाँ पे इस एंड्रॉयड टीवी बॉक्स की एक खास बात मुझे लगी कि इसमें आपको OTA अपडेट देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नया अपडेट आपको मिला है जिसमें ऑप्टिमाइज सिस्टम एंड फिक्स बग, तो यहाँ पे रेगुलर आपको अपडेट मिलते रहेंगे। अगर अपडेट्स के शौकीन हो तो डेफिनेटली एंड्रॉइड टीवी बॉक्स ये आपके लिए बेटर हो सकता है। अब अपने ऐप सेक्शन में चलते हैं और यहाँ पे चेक करते हैं कि DRM इन्फो क्या बताता है कि ये वाला एंड्रॉइड टीवी बॉक्स वाइडवाइन L1 लाइसेंस सपोर्ट करता है या नहीं। तो इसमें जो सिक्योरिटी लेवल है वो L3 है, यानी कि नेटफ्लिक्स एंड Amazon प्राइम फुल HD पे आप यहाँ पे नहीं देख पाओगे, सिर्फ और सिर्फ 576p तक, जो कि टीवी पे काफ़ी ठीक ठाक क्वालिटी मिल जाएगी। लेकिन अगर फुल HD कंटेंट देखना है देन ये एंड्रॉयड टीवी बॉक्स आपके काम का नहीं है। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि इस पे आप लाइव टीवी चैनल्स देख सकते हो, वो भी फुल HD में। थोप टीवी का मैंने एक वीडियो बनाया था, आई बटन पे मिल जाएगा कि किस तरीके से आपको इंस्टॉल करना है। इसमें सिर्फ मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे जो चैनल्स हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। तो यहाँ पे चैनल्स की लिस्ट अपनी आ चुकी है, कोई भी चैनल प्ले करके दिखा देता हूँ कि चैनल इस पे काम करते हैं नहीं। तो अगर लाइव टीवी देखने के शौकीन हो तो मे बी अगर आप कोई एंड्रॉयड टीवी बॉक्स ढूंढ रहे थे ये आपके काम का हो सकता है। आप यहाँ पे पूरे के पूरे सीरियल, गाने या मूवीज़ प्रॉपरली रिकॉर्ड कर सकते हो। तो यहाँ पे फुल HD रिजोल्यूशन में आपको सारे चैनल्स देखने को मिलेंगे, बाकी जो चैनल HD में नहीं है तो उनको तो HD बना नहीं सकते, लेकिन हाँ आप इसमें पूरा का पूरा कॉन्टेंट फुल HD में देख पाओगे छोड़ के
Amazon एंड Netflix को। अब यहाँ पे जो A95X Max है ये 4K तक वीडियो आउटपुट सपोर्ट करता है, तो YouTube पे चेक करते हैं क्योंकि YouTube पे आपको 4K वीडियोस मिल जाते हैं, तो एक वीडियो प्ले करके देखते हैं और देखते हैं कि मैक्सिमम रिजोल्यूशन वहाँ पे क्या ये सपोर्ट कराता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक वीडियो प्ले किया है, मैक्सिमम रिजोल्यूशन यहाँ पे 2160p यानी कि 4K आपको मिल रहा है, तो 4K तक ये वीडियो सपोर्ट करता है। तो मैक्सिमम रिजोल्यूशन अगर आपके पास 4K टीवी है तो आप डेफिनेटली 4K वीडियोस इस पे इंजॉय कर पाओगे। अभी 4K में प्ले किया हुआ है लेकिन मेरा टीवी है फुल HD, तो कोई फायदा नहीं। अगर आपके पास फुल HD टीवी है तो फुल HD रिजोल्यूशन इज एनफ। बात करें रिकॉर्डिंग ऑप्शन की तो किस तरीके से काम करता है, आप जैसे ही यहाँ पर रिकॉर्डर ओपन करोगे तो आपको कुछ इस तरीके का स्क्रीन दिखाई देगा। आप नीचे जाओगे वहाँ पे ओके करोगे और आपका जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे जो साउंड है वो भी आप इसमें रिकॉर्ड कर पाओगे क्योंकि ये डिवाइस इंटरनली ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए कैपेबल है। आप कुछ भी यहाँ पे प्ले कर रहे हो, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो और उसके बाद वापस आते हो तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि रिकॉर्डिंग आपकी चालू है और रिकॉर्डिंग को आपने बंद कर देना है। तो यहाँ पे मैंने वही वीडियो प्ले किया है अगेन जो हमने अभी रिकॉर्ड किया है और ये एंड्रॉयड टीवी बॉक्स बहुत ईजिली उसको रिकॉर्ड करने के बाद प्ले कर देता है। तो अगर आप किसी भी टीवी सीरियल को, म्यूजिक वीडियोज ये सब रिकॉर्ड करके रखना चाहते हो, हार्ड डिस्क का स्पेस मिल जाता है अप टू 5 TB, तो ये बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट है किसी एंड्रॉयड टीवी बॉक्स में। आपको इंटरनल ऑडियो रिकॉर्डिंग फीचर भी मिल रहा है। तो अगर बात करें प्रोसेसर की तो एमलॉजिक का प्रोसेसर मिलता है जो कि कोर्टेक्स की A53 कोर्स के साथ आता है। और बात करें अगर GPU की तो ड्वेलिन का MP2 GPU यहाँ पे देखने को मिलता है। तो जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है इस एंड्रॉयड टीवी बॉक्स की काफ़ी अच्छी है। एक चीज़ ध्यान में रखना, अगर नेटफ्लिक्स और अमेजोन बहुत ज़्यादा देखते हो या देखते हो और फुल HD में ही देखना है तो इस एंड्रॉयड टीवी बॉक्स पे आप फुल HD में स्ट्रीम नहीं कर पाओगे। लेकिन बेनिफिट यहाँ पे ये है अगर आप रिकॉर्ड करना चाहते हो जितने भी मूवीज सीरियल या कुछ भी अगर आप स्ट्रीमिंग करते हो कहीं पे, देन ये एंड्रॉयड टीवी बॉक्स आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। अब यहाँ पे जो इसकी स्पेक्स थी फटाफट बता देता हूँ। 4GB रैम के साथ 64GB की स्टोरेज, ड्यूअल बैंड वाईफाई 2.4GHz के साथ 5GHz तक, ब्लूटूथ 4.2, एंड्रॉयड 8.1 आता है इसमें। आपको रेगुलर अपडेट्स देखने को मिलते रहते हैं। यहाँ पे आपको USB पोर्ट मिल जाते हैं अलग से एक्सटर्नल हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव यूज़ करने के लिए। इंटरनली आप इसमें 2.5 इंच का अप टू 5 TB तक का हार्ड डिस्क लगा सकते हो। जो मैक्सिमम रिजोल्यूशन आपको आउटपुट में मिलेगा वो 4K तक मिलेगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ YouTube पर। और यही था इस एंड्रॉयड टीवी बॉक्स का ओवरऑल रिव्यू। जो इसकी प्राइसिंग है वैसे तो 8,000 rupees है, लेकिन यहाँ पे आपको एक कूपन कोड दिखाई दे रहा है, तो मैं एक बार यूज करके बताता हूँ कि किस तरीके से यूज करना है। तो A95X Max को परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, जाके डायरेक्टली टैप करो, बाय नाउ पर क्लिक करो, उसके बाद एडेप्टर चूज करो। EU इंडिया में काम करता है, दैट्स वाई बाय नाउ पर क्लिक करना है। उसके बाद आप बिलिंग पेज पे पहुंच जाएंगे, नीचे आपको मिलेगा कूपन कोड यूज करने का ऑप्शन। तो यहाँ पे आपको जो कूपन कोड यूज करना है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जो मैंने कूपन कोड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा, वहाँ से कॉपी करना है, यहाँ पे पेस्ट करना है, यूज़ करना है। और उसके बाद जो प्राइसिंग है उसमें आपको 2,798 rupees का ऑफ मिल जाएगा। इफेक्टिव प्राइस हो जाएगी 5,500 rupees के आसपास। प्लेस कर देना ऑर्डर अगर आप इसको परचेज करना चाह रहे हो। तो कूपन कोड लगने के बाद जो प्राइसिंग है वो काफ़ी एग्रेसिव हो जाती है अगर आप इस एंड्रॉयड टीवी बॉक्स को परचेज करना चाह रहे थे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, कूपन कोड भी वहाँ पे मिल जाएगा। और उसके बाद भी आपके दिमाग में कोई क्वेरी, डाउट या कुछ भी है तो सोशल मीडिया हैंडल के लिंक्स यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सेम लिंक आपको मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम पे जाकर DM करो जो भी क्वेरी है, एज सून एज पॉसिबल मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और कमेंट सेक्शन भी नीचे है, वहाँ पे भी जाके आप अपनी क्वेरी डाल सकते हो। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो मैंने कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।